हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस 220 हैमर को रिपेयर करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्विच को हम एसी में लगा देते हैं और सीरीज लैंप का स्विच ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम इस हैमर स्विच को प्रेस करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हैमर वर्क नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बैक कवर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें यह कार्बन होल्डर लगे होते हैं और इसके बाद आर्मेचर का कम्यूटेटर यहां से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इन कार्बन होल्डरों के कनेक्शनों को बाहर निकालेंगे और कार्बन होल्डर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इन स्क्रूओं को हम खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इन कार्बन होल्डरों को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार देखिए दोस्तों, इस कार्बन होल्डर में कार्बन है ही नहीं, कार्बन खत्म हो गया है, जल गया है। इसी प्रकार हम दूसरी ओर का भी कार्बन होल्डर बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह कार्बन होल्डर भी हमने बाहर निकाल लिया है और इसमें भी कार्बन नहीं है, इसका कार्बन भी जल गया है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका कम्यूटेटर शॉर्ट लग रहा है, जला हुआ लग रहा है। अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम इसी आर्मेचर कम्यूटेटर में है। तो सबसे पहले हम इस रोटरी नाप को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कि एक हैमर मूड रहता है और एक ड्रिल मूड रहता है। इसके बाद हम इन चारों स्क्रूओं को खोल लेते हैं और इस प्रकार हम आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह आर्मेचर है। इस आर्मेचर के कम्यूटेटर को ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कि ब्लैक लग रहा है, काला लग रहा है और यहाँ पर यह शॉर्ट लग रहा है। यह कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है तो हमें आर्मेचर को चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब हम इस प्लास्टिक क्लैंप को बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह फील्ड क्वाल हैं जो कि सही है। तो अब हम इस आर्मेचर को इसके गियर बॉक्स से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से आर्मेचर को गियर बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। यह गियर बॉक्स है दोस्तों। अब हम सबसे पहले
इस आर्मेचर से बैरंग को इस आर्मेचर बैरंग पुलर की सहायता से बैरंग बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम इस बैरंग पुलर की सहायता से आर्मेचर से बैरंग को बाहर निकाल लेते हैं। इस 220 हैमर का हम आर्मेचर चेंज करेंगे दोस्तों। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने आर्मेचर से आगे की ओर लगा हुआ यह बैरंग भी बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसमें यह नया आर्मेचर ऐड करेंगे दोस्तों। तो हम इस डिब्बे को ओपन करते हैं, तो यह रहा नया आर्मेचर जो कि पूरी तरह नया है, फ्रेश है। तो अब हम इसमें बैरंगों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आर्मेचर में बैरंग को लगा लिया है। अब हम इस आर्मेचर को इसके गियरबॉक्स में लगाने के बाद फील्ड कॉइल के बीच में इसे इस प्रकार हम सेट करेंगे दोस्तों। आर्मेचर को सेट करने के बाद हम इसके स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। स्क्रूओं को टाइट करने के बाद अब हम इस हैमर मशीन को टेस्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, हम इसमें नया कार्बन ऐड करेंगे। तो इन होल्डरों में सबसे पहले हम कार्बनों को इस प्रकार लगाकर देखते हैं कि यह पूरी तरह ओपन है, प्ले है। यदि कार्बन होल्डर में कार्बन फंसता है तो हमें कार्बन होल्डर भी चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा आर्मेचर जल सकता है। दूसरा कार्बन होल्डर भी पूरी तरह सही है। इस प्रकार हम कार्बन होल्डरों को टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इन होल्डरों में कार्बन को इस प्रकार लगाते हैं। कार्बन होल्डर में कार्बन डालने के बाद अब हम इसे हैमर में इस प्रकार सेट करते हैं, और सेट करने के बाद हम कार्बन कनेक्शन को इस प्रकार स्क्रू में लगाकर स्क्रू को कार्बन होल्डर के ऊपर अच्छी तरह कस देते हैं। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करने के बाद हम दूसरी ओर भी कार्बन होल्डर को इसी प्रकार ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कार्बन होल्डर में कार्बन को लगा लिया है, और अब हम इस बैक कवर को हैमर में सेट कर लेते हैं और इसके स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने हैमर के स्क्रूओं को टाइट कर दिया है और इसके रोटरी स्विच को भी इसमें लगा लिया है। अब हम इसके बर्मे को इसमें लगा लेते हैं, और इसके बाद अब हम इसे एसी में चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हैमर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करने लगा है, घूमने लगा है। इस प्रकार हम किसी भी 220 हैमर का आर्मेचर आसानी से बदल सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।